अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काले चने की इतनी मज़ेदार रेसिपी जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मैं बना रही हूँ काले चने का कटलेट जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैं ले ली हूँ 1.5 कप चना, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे भिगा कर रख दी थी। ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। यहाँ मैं ले ली हूँ 1 प्याज, इसे मोटा मोटा काट ली हूँ। 7 से 8 हरा मिर्च ले ली हूँ। 1 इंच अदरक का छोटा टुकड़ा ले ली हूँ और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। इन्हें भी हमें पीस लेना है। मैं यहाँ एक मिक्सर का जार ले ली हूँ, उसमें डाल दूँगी सभी मसालों को। तो सभी मसाले इसमें डाल देंगे। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच भुना हुआ धनिया। धनिया को हमें दरदरा पीसना है, तो आप चाहें तो अलग से कूट भी सकते हैं दरदरा सा, या फिर इसी में डालकर दरदरा सा पीस लें। और यहाँ हमने सभी चीज़ों को पीस लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है हमने, हल्का सा मोटा ही रखा है। इसी तरह का हमें पीसना है। इसे एक बाउल में डाल दूँगी। यहाँ बाउल में रख दी हूँ, इसे साइड में रखूँगी। उसी मिक्सर के जार में चनों को डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर 3 से 4 बार में इसे पीस लूँगी। थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है, पानी डालकर हमें बिल्कुल नहीं पीसना है। ऐसे ही हम पीसेंगे, थोड़ा चम्मच से चलाते हुए दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना जो हमारा पेस्ट है वो गीला हो जाएगा। और यहाँ हमने सारे चने को पीस लिया है और उसी बाउल में डाल दी हूँ जिसमें हमने मसाले डाले हुए थे। और अब हम इसमें थोड़े और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ डाल दूँगी मैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ले ली हूँ भुना कुटा जीरा, 1 बड़ा चम्मच ले ली हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच नींबू ले ली हूँ, 1/2 छोटा चम्मच डाल दूँगी चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच ले ली हूँ पुदीने का पत्ता जिसे मैं बारीक काट ली हूँ, और 1/2 कप डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और इसमें से बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे, और अब हम इसका कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उस तरह से रोल करेंगे और उसे फिर चिपटा कर देंगे हाथों से। हमारा चना बिल्कुल कच्चा है, तो हमें कटलेट को बनाते वक्त उसे बिल्कुल चिपटा कर देना है ताकि वो फ्राई करते वक्त अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो इस तरह से हम चिपटा कर देंगे उसे, देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह चिपटा कर देने से हमारा कटलेट जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। तो इसी तरह मैं सारे के सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। इतने कटलेट मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ, इन्हें मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमें मीडियम हॉट गर्म करना है। तेल हमारा अच्छा गर्म है, एक एक करके कटलेट को डाल देंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैं 3 कटलेट डाल दी हूँ एक साथ। पहले एक तरफ हम इसे फ्राई होने देंगे लगभग 1 मिनट तक, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारा कटलेट जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो और जले ना ऊपर से। तो इस तरह से पलट लूँगी, पलट पलट कर दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है हमारा कटलेट। अब मैं इसे निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं इसे कितना क्रिस्पी दिख रहा है ये देखने में ही। तो यहाँ निकाल ली हूँ और इसी तरह मैं बाकी के सारे भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ हमने इतने कटलेट तैयार कर लिए हैं फ्राई करके, और गर्मा गर्म काले चने का कटलेट बनकर तैयार है। आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ सर्व करें या फिर पाव के साथ सर्व करें। मैं इसे दिखाती हूँ पाव के साथ लगाकर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से चटनी लगा दूँगी पहले पाव के ऊपर, थोड़े से प्याज के रिंग लगा दूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 कटलेट। तो इस तरह से सर्व करें, दिख रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। मैं इसे ऐसे भी तोड़ के दिखाती हूँ आपको ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए अंदर तक कितना बढ़िया सा पक गया है। गर्मा गर्म कटलेट
अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।